आज लोकतंत्र का पर्व है जिसमें अपनी सहभागिता के लिए लोग सुबह से अपना वोट डालने पोलिंग बूथों पर लाइन लगाए हुए हैं। इस बीच तेज धूप और गर्म हवाएं चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग धैर्य के साथ वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दिन में करीब 12 बजे पोलिंग बूथ पर पहुंचे एक मतदाता का पारा उस वक्त हाई हो गया जब वह हल्द्वानी के खालसा इंटर कॉलेज में वोट डालने पहुंचा और बाहर बैठे एजेंट ने पर्ची देखकर कहा कि आपका वोट तो पड़ चुका। यह सुन में बहुत चक्कर रह गया और अधिकारियों से शिकायत की, जिस पर दोबारा अधिकारियों ने जांच की तो पता चला कि संबंधित व्यक्ति का वोट नहीं पड़ा है। इसके बाद उसे वोटिंग के लिए अंदर प्रवेश दिया गया। बहरहाल फर्जी वोट डाले जाने की सूचना पर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में सब जांच की तो राहत की सांस ली। सुनिए किसने क्या कहा। जो एजेंट बैठे हुए एजेंटों ने कहा कि आपका वोट पड़ गया है, जब मैंने प्रशासन से वो करी तो जब मेरे को वोट देने का अधिकार मिल चुका है। आप वोट मिलने का अधिकार मिल गया आपको? जी, वोट डालने का अधिकार। तो आपका किसने फैलाई? ये अगवा जी गेट के सामने, जो फ्रंट गेट के सामने जहाँ पर वो एजेंट लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपका वोट पड़ गया, आप जा सकते हैं। ये टीकम बहादुर जी एक कहते हैं जागरूक मतदाता हैं, मतदान के लिए आए हुए थे, तो इनको क्या है त्रुटि बस इनको ऐसा किसी के द्वारा ये कहा गया कि आपका मतदान आपके जगह पर किसी अन्य व्यक्ति ने मतदान कर दिया है, जबकि वास्तव में जब इनने हमें बताया तो हमने देखा कि इनका बूथ संख्या 21 में इनका नाम था और 856 से इनका सीरियल नंबर था, तो इनके द्वारा मतदान किया गया है और मतदान का प्रूफ भी ये अपने आप में मतदाता के रूप में इनने मतदान किया है जो आप देख सकते हैं। और कभी क्या होता है त्रुटिवश जो मतदाता होता है वो ये समझ लेता है कि जैसे बाहर का कोई व्यक्ति कहता है कि मतदान आपका हो चुका है, तो ये ना मानते हुए ये माने कि जब तक आपका अंदर का जो कर्मचारी जो वहाँ पर रहे जो कहते हैं निर्वाचन की ओर से जो कार्य कर रहे हैं, जब तक तो वो ना कहें तब तक तो उसको अपना मतदाता ये ना समझे कि किसी अन्य व्यक्ति के बहकाव में आकर के ना समझे कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपका वोट किया है।